हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बढ़ेगा गांव बढ़ेगा देश में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो राशन कार्ड की ऑनलाइन लिस्ट जारी की गई है, उसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों गूगल ओपन करते हैं, और गूगल ओपन करने के बाद हम सिंपली गूगल पे लिखेंगे NFSA। लिखने के बाद दोस्तों हम सिंपली एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो हमारा ये जो पहला लिंक है वो राशन कार्ड डिजिटलाइजेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। और इस पर क्लिक करने के बाद जो ये हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो राशन कार्ड की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रम वाइज सारे यूपी के जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके नाम दिए गए हैं। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, और यहाँ पे उनके पात्रता गृहस्थी सूची है, अंत्योदय सूची और टोटल योग है। तो दोस्तों, आपको सिंपली करना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जिला है, वहाँ पे उसे उस पर क्लिक करना है। सपोज मैंने सेलेक्ट किया बलिया, और बलिया में देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया तो दूसरा पेज ओपन होता है दोस्तों। और पेज ये जो ओपन हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि ये टाउन के लिए है, और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, और ये नगरीय क्षेत्र के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप नगरीय क्षेत्र में से आते हैं तो नगरीय क्षेत्र पे आपका जो एरिया लगता है उस पर क्लिक करेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो वो जो ग्रामीण एरिया है, जो आपका ब्लॉक है, उस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ये सारे ब्लॉक हैं, आपका जो भी इसमें ब्लॉक ब्लॉक लगता हो उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे सपोज मैंने एंटर किया यहाँ पे सोहाव, सोहाव पे मैंने क्लिक किया तो दोस्तों सोहाव के अंतर्गत जितने भी गांव हैं उनकी सूची लिस्ट ओपन होकर आती है, पात्र गृहस्थी, अंत्योदय और टोटल योग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे गाँव हैं, टोटल 57 गाँव हैं दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों आपका जो भी गाँव लगता है उस पर क्लिक कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लक्ष्मणपुर गांव है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे उस गांव पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो एक दूसरा पेज ओपन होता है, और वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि दुकानदार का नाम, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, धूपचंद राम है, और पात्र गृहस्थी जो कार्ड है उनके नाम है अंत्योदय है, राशन कार्ड 39 है, और राशन कार्ड यहाँ पे पात्र गृहस्थी में 252 है। टोटल लाभार्थी यहाँ पे 1037 हैं, और यहाँ पे 128 टोटल योग। राशन कार्ड का 291, लाभार्थी 1165। तो दोस्तों, आप जिस पात्र गृहस्थी का चेक करना होगा तो यहाँ पे 252 जो नंबर है इस पे क्लिक करेंगे, और अंत्योदय पे, अंत्योदय वाले कार्ड के बारे में जानना होगा तो राशन कार्ड 39 पे क्लिक करेंगे। तो सपोज मैं पहला क्लिक करता हूँ पात्र गृहस्थी राशन कार्ड 252 पे। जो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक किया तो टोटल 252 जो कार्ड बने हैं पात्र गृहस्थी के, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये उनके डिजिटलाइज राशन कार्ड, उनका राशन कार्ड नंबर है, धारक का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, और कुल यूनिट है दोस्तों, और राशन कार्ड जारी डिजिटल हस्ताक्षर करने की तिथि है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस पे से जो भी आप राशन कार्ड नंबर पे क्लिक करेंगे उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे ओपन होके आएगी। जैसे सपोज मैं अंजू राय नाम से जो पहला नंबर है उस पर क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक किया दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि उस कार्ड की पूरी डिटेल हमें पेज पे ओपन होके आ रही है। पात्रता सूची का पूर्ण विवरण देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कार्ड संख्या, गृहस्थी, दुकानदार का नाम, दुकान संख्या, धारक का नाम, और बाकी कुछ सदस्यों की संख्या दिया गया दोस्तों, और उन सदस्यों के नाम है अंजू राय, विनय कुमार, विनीत राय, और यहाँ पे उनकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी? दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।